न्यूमेरिकल नंबर 5, इसमें हमें बोला है कि अ 10 ओम रेजिस्टेंस कॉइल हैज़ 1000 टर्न्स एंड एट ए टाइम 5.5 × 10⁻⁴ वेबर ऑफ फ्लक्स पासेस थ्रू इट। तो इसमें हमें रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, 10 ओम, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 1000 और हमें फ्लक्स दे रखा है 5.5 × 10⁻⁴ वेबर पासेस थ्रू इट। इफ़ द फ्लक्स फॉल्स टू 0.5 × 10⁻⁴ वेबर, अब हमें फ्लक्स 2 दे दिया, सेकेंड फ्लक्स भी दे दिया है, ये फ्लक्स 1 हो गया हमारा 0.5 × 10⁻⁴ वेबर इन 0.1 सेकेंड। टाइम हमको दे रखा है, dt हमको दे रखा है 0.1 सेकेंड। हमें क्या निकालना है, हमें emf निकालना है, इंड्यूस्ड emf और चार्ज निकालना है। तो इंड्यूस्ड emf का फार्मूला हम जानते हैं, -d∅/dt फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, ये फार्मूला बन जाएगा हमारा n d∅/dt -nd∅/dt। तो इसमें माइनस का 1000 इंटू में फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, 5 2 माइनस में 5 1 अपॉन में dt emf -1000 ब्रैकेट में 0.5 × 10⁻⁴ माइनस में 5.5 × 10⁻⁴ अपॉन में टाइम हमको दे रखा है 0.1 सेकेंड। इसे जब हम सॉल्व करेंगे -1000 इंटू में माइनस का 5 × 10⁻⁴ अपॉन में 0.1, इसे सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 5 वोल्ट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया हमारा 5 वोल्ट। अब हमसे पूछा चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर चार्ज q इक्वल टू में आई टी। अब उसके लिए मेरे को आई चाहिए, टाइम मेरे पास है। तो इंड्यूस्ड करंट के लिए ईएमएफ अपॉन में आर होता है, रेजिस्टेंस हमको दे रखा है, ईएमएफ आ गया 5 यहाँ से और रेजिस्टेंस दे रखा है 10, तो 1/2 0.5 एम्पियर आ गया हमारा करंट। तो Q कितना हो जाएगा 0.5 इंटू में टाइम हमको देखा है 0.1 इक्वल टू में आ गया 0.05 कोलम। ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल 5। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉइल विद एन एवरेज डायमीटर 0.02 मीटर, हमें डायमीटर दे रखा है कितना 0.02 मीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 0.02 अपॉन में 2 इक्वल टू में 0.01 मीटर और प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करा है। मैग्नेटिक फील्ड हमको दे रखी है कितनी 6000 टेस्ला। अगर हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको दे रखा है 11 वॉट, वेन मैग्नेटिक फील्ड 1000 टेस्ला, हमें b2 दे रखा है कितना 1000 टेस्ला, ये वाला हो जाएगा हमारा b1 इन 4 सेकेंड और टाइम हमको दे दिया dt 4 सेकेंड। फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स, हमें निकालने नंबर ऑफ टर्न्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हम अपना फार्मूला जानते हैं कि ईएमएफ इक्वल टू में -nd∅/dt, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे तो ईएमएफ nd∅/dt, फाई को हम क्या लिखते हैं n, फाई टू माइनस में 5 1 अपॉन में dt, ईएमएफ हमको दे रखा है 11। नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं, फाई टू को हम ये लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू में होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटू में एरिया, तो बी ए लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह पे, एंड फाई टू हमारा यहाँ पे एरिया कॉमन आ जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पे b2 - b1 अपॉन में dt। ये b2 - b1 कैसे आया कि फाई टू की जगह मैंने लिख दिया b2 a2 और फाई वन की जगह लिख दिया b1 a1। यहाँ पे a2 और a1 एरिया हमारा सेम है, a1 इक्वल टू में a2 इक्वल टू में a यहाँ पे कॉमन ले लिया, b2 - b1 ब्रैकेट में आ गया। जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 11 इंटू में dt यहाँ पे चला गया, dt हमको दे रखा कितना 4 अपॉन में एरिया हो जाएगा πr² पाई r की वैल्यू हमारे पास 0.01 का होल स्क्वायर और इंटू में ब्रैकेट में b2 हमको दे रखा 1000 माइनस में 6000 अगर यहाँ पे हम नेगेटिव भी लेके चलते हैं तो वो नेगेटिव का यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 44 अपॉन में 22 इंटू में 7 इंटू में 1 इंटू में 1 100 इंटू में 100 अपॉन में 5000 इक्वल टू में n। जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे 28।